हाय एवरीवन, आज हम गेहूँ के आटे से बने बहुत ही टेस्टी मज़ेदार एकदम नई तरीक़े से नाश्ते की रेसिपी लेके आए, जो 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, अंदर की स्टफिंग दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से सॉस के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। या अब चलिए देर की इस बात की, इस मज़ेदार नाश्ते को कैसे बनाना है देखते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लिया है, एक कप गेहूँ का आटा ले लेंगे, 3 चम्मच सूजी मिलाएंगे। सूजी मिलाने से नाश्ता हमारी खस्ता बनेंगे। इसी हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन ले लिया है। अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डालेंगे, अजवाइन का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो लगा लेंगे। पानी को एक साथ नहीं मिलाना, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। डो लगा लिया है, देखिए इसी तरह से डो लगाना है। अब इसको रेस्ट पे रखेंगे, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। गैस पे पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गई है, 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, जीरा को चटकने देंगे। जीरा चटक गई है, 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके लिया वो डालेंगे। कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। इस नाश्ता में हम प्याज का यूज़ नहीं कर रहे, अगर आप प्याज डालना चाहें तो इस टाइम प्याज डाल सकते हो। भून लिया है, 2 बॉयल आलू ग्रेट करके लिया है वो डालेंगे। अब हम कुछ मसाले मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी चाट मसाला, इससे नाश्ता चटपटे बनेंगे। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स करते हुए 2 मिनट भून लेंगे। इस तरह से स्टफिंग बना के नाश्ता बनाएंगे तो इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। मसाले के साथ आलू को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 मिनट भून लिया है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे। 1 मिनट फिर से भून लेंगे। भून लिया है, स्टफिंग हमारी रेडी है। गैस को ऑफ करके प्लेट में निकाल के थोड़ा सा ठंडा करके ले लेंगे, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। अब आटे को चेक करेंगे, इधर आटे भी हमारी सेट हो गई है। प्लेटफॉर्म के ऊपर ले लेंगे, कुछ सेकेंड के लिए मसल के चिकना करके ले लेंगे। चिकना करके ले लिया है, 3 हिस्से में बांट लेंगे। एक हिस्सा ले लेंगे, गोला करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे ताकि नीचे चिपके ना। अब हम बेल लेंगे, रोटी के आकार से थोड़ा बड़ा बेलेंगे। देखिए बेल लिया है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इसी तरह से बेल के लेना है। अब इस तरह से साइड में से कट लगा लेंगे, फिर इस तरह से काटेंगे, सोकाई शेप में काटेंगे। अब किनारी को दोबारा बना लेंगे, फिर बीच में से काट लगा लेंगे, फिर इस तरह से काटेंगे। अब हम चारों तरफ पानी लगा लेंगे, पानी लगाना ज़रूरी है नहीं तो स्टफिंग हमारी निकल जाएगी। इधर स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, थोड़ा सा पोषण ले लेंगे, इस तरह से गोला करेंगे और बीच में रख लेंगे। इस तरह से सभी के ऊपर रख लेंगे, सभी के ऊपर रख लिया है। अब इस तरह से हम बंद करेंगे, इस तरह से बंद करेंगे। बहुत ही आसान है बनाना, इस नाश्ता को कोई भी बना सकते हैं। इसको खाने के बाद बच्चे बड़े सब बाज़ार के समोसा कचौरी सब भूल जाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। सभी नाश्ता को बना के रेडी कर लिया है, अब हम गैस पे चलते हैं। पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। ऑयल को मीडियम गर्म करना है, अब नाश्ता को डालेंगे। डाल दिया है, इस तरह से हिला देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके एक साइड सिकने देंगे। एक साइड सिक गई है, अब हम पलट लेंगे। इधर कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है, अब दूसरी साइड भी सेक लेंगे। पलट लिया है, अलट पलट के 2-3 मिनट और सेक लेंगे ताकि नाश्ता हमारी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। और गैस का फ्लेम मीडियम करके ही सेकना है, नहीं तो अंदर कच्चे रह जाएंगे, ऊपर काले पड़ जाएंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। 10 मिनट में नाश्ता को बना के रेडी कर सकते हो। सुबह शाम की हल्की फुल्की भूख में बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, अचानक मेहमान आ जाए तो भी बना सकते हो। इस नाश्ता को खाने के बाद बाजार की समोसा कचौड़ी सब भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एक बार ज़रूर बना के सबको खिलाइए, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। नाश्ता हमारी सीख गई है, कलर भी बढ़िया आ गई है, अब हम निकाल लेंगे। पास से दिखा रही हूँ, इसी तरह से सभी को रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है, टमाटर सॉस से सर्व किया है, आप खाली भी खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। देखिए कितनी क्रिस्पी बना है,
उम्मीद करती हूँ आपके नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नई हो और इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं। बाय।